बाबा बंदा सिंह बहादुर का 350 साल जो जन्मदिन है अज उस टाइम मना रहे हैं जो मोदी हुकूमत ने साड़ियाँ जमीन से आखा साड़ियाँ जमीन खोना चाहती है वो जड़िया साड़ियाँ जमीन ये असी खुद किसी टाइम मालिक नहीं सी होंगे इन्हों जमीन के मालिक सानू बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाया अज बदकिस्मती है भी पंजाब के किसान ने सारे हिंदुस्तान को अनाज दिता अनाज के भंडार भरे पर अज मोदी सरकार सानू जमीन तो पासे करना चाहता। कीर्ति किसान यूनियन वालों अज जिला मोगा के इतिहासिक पिंड दीना साहिब विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की 350वीं जयंती नूं समर्पित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जो कि किसान हल नूं पूरे पंजाब का इतिहासिक संघर्ष समझौता करेगा। सम्मेलन नूं आयोजित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन के सूबा प्रधान निरभय सिंह उड़ीके और उप प्रधान राजेंद्र सिंह दीप वाला ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शमतावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी अते बेजमीनी जिम्मेदारां नूं मालिक बनाया अते हजारां सालां दे लई जाति भेदभाव नूं दबाया गया जो कि उन्हां दी शहादत तों बाद वी कायम नहीं रह सकिया। किसान नेतावां ने कहा कि 1799 विच फ्रांसीसी क्रांति होई अते जागीरदारी प्रणाली नूं तोड़िया गया अते 1710 विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी उही क्रांति शुरू की। मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला मीत प्रधान किरती किसान यूनियन। अज असी किरती किसान यूनियन वालों इतने दीना साहब जिथे गुरु बेंत सिंह जी होरां ने जफरनामा लिखिया सी औरंगजेब नूं इस इतिहासक थान ते इतिहासक लड़ाई के दौरान एक नवा इतिहास सिरजन के उद्देश दे नाल इत्थे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अज पंजाब दी किसानी इस पवित्र स्थान ते आके प्रण करेगी कि असी जिहड़ी मोदी हुकूमत ने जिहड़े किसानी नूं खत्म करन वास्ते और समुची आर्थिकता नूं तबाह करन वास्ते तीन खेती कानून लैके आंदे आ उहनां नूं रद्द कराउण दे लई और जिहड़ियां जल जंगल जमीन वेचण दीआं नीतियां ने इस मुल्क दे विच जिंदे तहत सब कुछ कारपोरेट नूं लुटाया जा रिहा उह नीतियां नूं उलटाउण दे लई असी इत्थे प्रण करन वास्ते इत्थे आए हाँ क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर साडे इतिहास दा उह महानायक आ जिन्हां ने पंजाब दे विच पहली वारी एक जमहूरी राज स्थापित करन दी जिहड़ी सी कोशिश कीती पहली वारी बेजमीनियां नूं जमीनां दे मालक बनाया और हर धर्म और जात दा जिहड़ा वितकरा सीगा उह खत्म कीता। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ियां इत्थों दीआं हाकम जमातां ने ना तां उहदे जन्म दिहाड़े ते ना शहीदी दिहाड़े ते उस तरह याद करदियां ने क्योंकि सानूं उहनां ने जमीनां दे मालक बनाया सानूं उहनां ने जिहड़ा आजादी नाल चलना सिखाया तो उहनां दे 350 साल जन्म दिहाड़े ते अज असीं चार कॉन्फ्रेंसां कर रहे हां अज नवांशहर के राहों च भी कर रहे हैं इत्थे मोगे के दीना साहब कर रहे हैं और कल नूं गुरदास नंगल जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर होरां दी गिरफ्तारी हुई और सरहंद दे विच जिथे उन्होंने सरहंद की इट ना इट वजाई सीगी सिर्फ समागम नहीं कर रहे गए ये प्रेरणा लैन वास्ते और पंजाब के इस किसान घोल नूं जित तक पहुँचाउण वास्ते असीं इत्थे जिहड़ी हैगा समागम कर रहे गए। अज असीं बाबा बंदा सिंह बहादुर का 350 साल जो जन्मदिन है उन्हों मना रहे हैं आज उस टाइम मना रहे हैं जो मोदी हुकूमत ने साड़ियाँ जमीन से आखा साड़ियाँ जमीन खोना चाहती है वो उस टाइम असी जड़िया साड़ियाँ जमीन ये असी खुद किसी टाइम मालिक नहीं सी होंगे इन्हों जमीन के मालिक सानू बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाया उन्हें इस जागीरदारी नूं खत्म किया जमीन जिहड़ा वाहुण वाला उन्हूं जमीन दित्ती अज बदकिस्मती है भी पंजाब दे किसान ने सारे हिंदुस्तान नूं अनाज दिता अनाज दे भंडार भरे पर अज मोदी सरकार सानूं जमीन तो पासे करना चाहुंदा उह साडा झोना भी लुटना चाहुंदा हर गल उह साडे जिहड़ा धक्केशाही कर रहा इस दे खिलाफ अज किसान लहर पूरी जोरां ते चल रही है उस गेड़ च अज असीं बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं तां कि इस थां तों किसे टाइम साढ़े साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सेंटर की सरकार नूं ललकारिया सी ते अज फिर असीं उस जगह ते खड़े हो के दीना साहिब दे स्थान ते मोदी की हुकूमत नूं ललकारदे हां उही लड़ाई अज है जिहड़ी साडी साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दी उस लड़ाई नूं अज साडा फर्ज बनदा अगे तुर के मोदी नूं चुकाइए ताकि पंजाब दा किसान बच सके।
मौजूदा हालातों ते नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह दियां बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दियां कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करदा है। अलग अलग लैबोरेटरियां तों आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह दे पसम मिला के तैयार किया गया है। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84 087।